लेकिन अब आपका स्वागत है और अब खबरें अंडमान से। पंजाब नेशनल बैंक की ग्यारह सलामा शाखा पर उसके ग्राहकों के साथ भारी वित्तीय धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की ग्यारह सलामा शाखा के एक महिला वरिष्ठ अधिकारी पर कई ग्राहकों ने आरोप लगाया कि वो अपने फायदे के लिए ग्राहकों को उनकी सहमति के बिना ऋण आवंटित करा दिया गया। बताया जाता है कि इस वित्तीय धोखाधड़ी का सबसे अधिक शिकार शिक्षक वर्ग के लोग हैं। इस धोखाधड़ी की एक पीड़िता ने चैनल वन न्यूज को बताया कि उनके एक सहयोगी ने उनसे उनके आईडी साक्ष्य और अन्य जानकारी ये बताकर ली थी कि वो उनके नाम पर एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी में नाम उनका दर्ज करवाना चाहती है, जिससे उसे संबंधित कंपनी द्वारा नियमित अंतराल पर सौंदर्य प्रसाधन के सामान उपलब्ध होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो उनके सहयोगी के कहे अनुसार नियमित अंतराल में एक कंपनी से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती रही, लेकिन उन्हें इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि उनके इस दस्तावेज के आधार पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया गया। इस बात की जानकारी उन्हें तब मिली जब उन्होंने किसी अन्य बैंक में लोन के लिए आवेदन किया और उसका आवेदन इस बात के आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वो पंजाब नेशनल बैंक की किसी खाता की चूक करता है। धोखाधड़ी की शिकार इस महिला ने आगे आरोप लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक के संबंधित अधिकारी ने इस प्रकार से कई और लोगों को भी चूना लगाया है, जिसकी जानकारी ऐसे लोगों को अब तक नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कभी भी पंजाब नेशनल बैंक से किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है, ऐसे में ऋण चूककर्ता होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्हें उसके सहयोगी ने जो पंजाब नेशनल बैंक की ग्यारह सलामा शाखा में वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी की शिकार महिला ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस कथित धोखाधड़ी के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर चुकी है। इसके अलावा तेलराबाद और ओंगरा ब्रांच पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीआईडी के पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है और आगे की कार्यवाही का इंतजार है। जब हमने इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने नाम को गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि उन्होंने इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के कोलकाता मुख्यालय में रिपोर्ट कर चुके हैं और यदि सही मायनों में बैंक के किसी अधिकारी ने किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की है तो पुलिस उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोई एक पर्सन अननोन पर्सन जो है किसी बैंक में लोन पास किया है। मुझे ऐसा पता चला कि मैं कार लोन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद सिविल एक निकलता है, लोन कुछ भी लोन लेने से पहले सिविल निकलता है, वो सिविल रिपोर्ट में मेरे को मुद्रा लोन 50,000 का दिखा रहा है। तो मुद्रा लोन मैं 17 ईयर्स में कभी लोन अप्लाई नहीं किया, तो मुद्रा लोन कहाँ से है? मैं 24 आदर्श बैंक सर्च करने के बाद महीना भर माइंड हरासमेंट हुई मेरी। उसके बाद जो है पता चला एक सिविल और निकाली जो कि बॉम्बे से निकलते हैं, www.fund मार के उसका सिविल निकाला जाता है। उसके बाद उस सिविल में रिपोर्ट में दिखाता है क्रैश होता है PNB ग्यारह सलमा ब्रांच क्रैश होता है। मैंने जाके PNB ग्यारह सलमा पंजाब नेशनल बैंक ग्यारह सलमा में जब मैडम शांति संगीता टीका मैडम ब्रांच मैनेजर थे उसी के टाइम में 18/2006 में मेरा लोन पास किया गया और वो लोन के बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है। वो कैसे पास हुआ, क्या हुआ, फ्रॉड है, वो एक नंबर का फ्रॉड, एकदम 100% फ्रॉड है। और वो लोन कैसे पास हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ पे कैसा आई, वो मुझे पता करना है। अभी तक मेरा लोन बांधा गया कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। मेरा कार लोन अभी तक पास नहीं हुआ। पुलिस के पास में मैं 5 दिन से हरासमेंट हो रही है। तो उग्रवंज स्टेशन में गए, वहाँ पर एक FIR दर्ज कराए, वो FIR लेके बोले आपके ग्यारह चलमा ब्रांच है, आप सीधी जाइए पहाड़गांव थाना। मुझे पहाड़गांव थाना कहाँ है मालूम नहीं, उसको तो एक दिन लगा खोजने के लिए। फिर गए थाने में जाके एक FIR कटाया, उसका अभी तक मुझे रिसीव नहीं मिला। सर मेरे साथ मेरा काम करने वाली एक शांति दिगर मैडम है, वो जो है मुझसे एक बार कॉस्मेटिक आइटम्स जो है स्कूल में लेकर आके बिक्री कर रही थी, तो मैं भी मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने उसको जो है वो एक दो कॉस्मेटिक आइटम उससे खरीदा। तो मैंने मैडम ने मुझसे आकर कहा कि मैडम कि आप भी अपना नाम से एक आईडी खोल दीजिए, तो आपका जो आईडी आ जाएगा तो आपका नाम आपका
सामान आपका नाम से आ जाएगा, ये कहकर उसने मुझसे, तो मैंने कहा आईडी खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि मैडम आप एक आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए और आप एक फोटो दे दीजिए, तो मैंने भी वो सेल्स करा के दे दिया और उसने वो दिखाकर मेरा जो है आईडी प्रूफ खोली, मुझे उस ऐसे सामान भी आया था। फिर उसके बाद अभी जो परसों का दिन मुझे पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक से मेरे नाम से अकाउंट खोल के 50,000 का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मेरा लोन पास करके मुझे परसों के दिन ही पता चला। फिर मैं फिर वहाँ गई पंजाब नेशनल बैंक का जो ग्यारह शर्मा बैंक है वहाँ जाके मैं वहाँ जो मैनेजर वहाँ में जो प्रेजेंट मैनेजर है मैं उनसे पूछी, वहाँ उनको लेटर लिखे दी तो उसने मुझे सब कुछ दिखाया, तो मेरा फोटो मेरा सारा जीरोक्स कॉपी सब रख के लोन जो है मेरा साइन करके वो सारा लोन नहीं है, वो एकदम मेरा डुप्लीकेट साइन सब मार के उसने दिया है। वो देखिए जो है मैं वो बात देखी, फिर हम लोग जो है पहाड़ जानो जो कैलाबाद में जो है पुलिस स्टेशन वहाँ जाके वहाँ पे एस एस ओ को हम जो है हम लोग यही चाहते हैं कि मैडम को जो है उसके लिए उसको जो ये फ्रॉड केस करी है उसके लिए उसको जो है उसके लिए पनिशमेंट उसको दिया जाए। मैं नमूना कक्षी में काम करती हूँ, मैं पार्ट टाइम में करती हूँ, मैंने रोजगारी का पैसा बांध रहा था तो आगे की कहने हुई थी कि आप लोगों को पैसा देना है क्योंकि आप लोग का आधार कार्ड और आई डी कार्ड का जरूरत ले जाके देना करते, तो मैं सोची कि शायद पैसा देगी शायद इसके लिए बोली है, तो पैसा दे नहीं रही थी बहुत दिन से घुमा रही थी, फिर ऐसा फिर मेरे सही मेरे सुमाल है मेरे काम कर रही है तो वो पर नोटिस निकाली तो उसने देखी कि मेरा नाम की है लोन लेगी, मैं मुझे तो नहीं पता हमें तो कभी पंजाब बैंक कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैं खाली मैं नमूना का बैंक जानती हूँ और फिर बैंक में नहीं जानती हूँ, तो मेरे सुमाल ने कहा कि आओ आके देखते कि बैंक जाके मेरा नाम है कि नहीं है, बैंक जाके देखती हूँ कि मैं मेरा भी फोटो है मेरा जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट सब फॉर्म सब मैम देखे मेरा बैंक करके रखी गई है। भारत के राष्ट्रीय नाविक संघ यानी एनएसएनयूएसआई